भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी, समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जली सकती ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी आपके नौकरशाही कब्जे में नहीं है, भ्रष्टाचार तहसीलों में है, थानों में है, सरकारी कार्यालय में है, तो ये क्या था? भाजपा सरकार को की सरकार को आप बता रहे हैं और रावण की लंका बता रहे हैं, इस भाजपा की योगी सरकार को आप भी कहते थे कि अच्छी सरकार है। नहीं, इसलिए अच्छी सरकार मैंने तो कभी कहा नहीं, आप विधानसभा में हमारा भाषण सुन लेना, मैंने सुझाव दिया था, सुझाव दिए थे और कहा था मुख्यमंत्री जी आपके नौकरशाही कब्जे में नहीं है, भ्रष्टाचार तहसीलों में है, थानों में है, सरकारी कार्यालय में है, तो ये क्या था? तो मैंने ये कहा है कि देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी, समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जली सकती ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। नीप के साथ उत्पीड़न हुआ, जेल भेजा। तक आप भी इस भाजपा सरकार को की सरकार को आप बता रहे हैं और रावण की लंका बता रहे हैं, इस भाजपा की योगी सरकार को आप भी कहते थे कि अच्छी सरकार है। नहीं, इसलिए अच्छी सरकार मैंने तो कभी कहा नहीं, आप विधानसभा में हमारा भाषण सुन लेना, मैंने सुझाव दिया था, सुझाव दिए थे और कहा था मुख्यमंत्री जी आपके नौकरशाही कब्जे में नहीं है, भ्रष्टाचार तहसीलों में है, थानों में है, सरकारी कार्यालय में है, तो ये क्या था? तो मैंने ये कहा है कि देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी, समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जली सकती ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। नीप के साथ उत्पीड़न हुआ, जेल भेजा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।